Hello friends, let's start another session, session 23rd of normal levies. So last time हम लोगों ने session 22nd किया था, जिसमें अगर आपको याद हो तो एक काफी important root word पे हम discuss कर रहे थे, and that was about mal, M-A-L, mal. Mal का मतलब होता है bad, जिसमें हमने malign या malignant, malediction, malevolent और maleficent ऐसे बहुत से words discuss कर रखे थे. आज की लेसन में इस जो सेशन 23 है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक और दूसरा रूट वर्ड जो है बॉन, बी ओ एन बॉन. बॉन का मतलब होता है गुड. तो चाहे वो बी ओ एन बॉन हो या फिर बी ई एन बेन हो, दोनों का ही मतलब गुड होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको बोनस मिलता है, तो ऑब्वियस है वो बोनस आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा. बट अगर कल को कंपनी आपको बोनस के बजाय मेलस देना शुरू कर दे, तो वो आपके लिए बैड होगा. तो बी ओ एन बॉन या बी ई एन बेन, दोनों का ही मतलब होता है गुड. तो इससे वर्ड्स कैसे बनते हैं इंग्लिश में, जैसे कि एम ए एल मेल था, मेल से बना क्या मेलाइन, वैसे ही बेन से बना बेनाइन. अगर वो नुकसानदायक था तो ये पॉजिटिव है. फिर मेलाइन से बना था मेलिग्नेंट, उसी तरीके से बेन से बना बेनिग्नेंट. ठीक है, तो बेनाइन या बेनिग्नेंट दोनों का मतलब होता है कि जो काइंडली हो या फिर गुड नेचर्ड, नॉट हार्मफुल. इन सारी चीजों को आप बेनाइन या बेनिग्नेंट बोलते हैं. जैसे कि आपका एटीट्यूड बेनिग्नेंट हो सकता है, आपने कोई सपना देखा ड्रीम, और आपके ड्रीम्स बेनिग्नेंट हो सकते हैं ऐसे ही. फिर जब आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करोगे तो बेनाइन का नाउन बन जाएगा बेनिग्निटी, और दिस वन बेनिग्निटी, और बेनिग्नेंट का क्या बन जाएगा बेनिग्नेंसी. फिर हमने एक और वर्ड डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट मेलेडिक्शन. अगर आपको याद हो तो मेल का मतलब था बैड, डिक्ट का मतलब बोलना, तो मेलेडिक्शन मतलब किसी को श्राप देना, कर्स करना. मेलेडिक्शन क्या था, कर्स करना. बट अगर आप इसका अपोजिट करिए, आप उसके लिए कुछ अच्छी बातें करिए, प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए, तो वो मेलेडिक्शन बनेगा या उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, दैट विल बी बेनेडिक्शन. बेन मीन्स गुड, डिक्शन saying, so good saying is called benediction. अगर आप खराब काम कर रहे थे तो वो maleficent था, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो beneficent होगा. तो beneficent का क्या मतलब होगा, doing good. Here, doing good. Now the next word we discussed was malefactor. अगर आप कुछ खराब कर रहे हो तो आप कौन हो, आप malefactor हो. बट अगर आप किसी को benefit पहुंचा रहे, benefit भी ben से ही आता है, अगर आप किसी को बेनिफिट पहुंचा रहे तो आप कौन है, आप बेनिफैक्टर हैं. ठीक है, याद रखेंगे बेनिफैक्टर कौन है, जो अच्छा करता है, जो लाभ दूसरों को पहुंचाता है. लेकिन जिसे लाभ पहुंचता है वो बेनिफिशियरी होता है. इन दोनों में आप डिफरेंस कर सकें तो अच्छा है. आप कोशिश करें कि आपको ये आता हो. जैसे कि मान लो कि राम ने श्याम को 10 रुपए दिए, तो जो दिया, जिसने दिया, राम ने दिया, तो राम यहाँ पे हो गया बेनिफैक्टर. बट श्याम, जिसको 10 रुपए मिले, जिसको लाभ मिला, वो है बेनिफिशियरी, और जो 10 रुपए हैं वो उसके बेनिफिट हैं. तो अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप बेनिफैक्टर हो. कई बार मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वैसे आज के दौर में ऐसा बहुत कम होता है, बट फिर भी अगर इनके साथ कुछ ऐसा करते हो स्पेशली, तो बेनिफैक्टर को आप मेल्स के लिए यूज कर सकते हो और फीमेल्स के लिए आप बेनिफैक्ट्रेस कर सकते हैं. बेनिफैक्ट्रेस क्या है, फीमेल, जिसने हेल्प की आपकी, जिसने आपको कुछ बेनिफिट पहुंचाया, कुछ अच्छा किया. तो टी आर ई डबल एस ई अक्सर फीमेल्स के लिए आता है, जैसे टाइगर, टाइग्रेस. ठीक है, पोएट, पोएट्रेस, लाइक दैट. तो बेनिफिट भी इसी से है, बेनिफिशियल भी है. बेनिफिशियल आपको पता ही है, फायदे के लिए आता है. तो बेन रूट वर्ड हो गया पॉजिटिव के लिए, और मेल रूट वर्ड हो गया नेगेटिव. फिर कुछ और वर्ड्स थे, जैसे हमने एक वर्ड किया था मेलेवोलेंट. तो मेल मतलब बैड, वॉल मीन्स विश, इच्छा. तो अगर मेलेवोलेंट में आपकी बैड विश है, तो बेनेवोलेंट में आपकी कैसी विश होगी, अच्छी होगी. तो अगर आप किसी के शुभ चिंतक हैं, आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली malevolent तो हो नहीं सकता, that will be benevolent. और बोनस हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है कि बोनस अच्छा होता है आपके लिए, मेलस होता तो खराब होता. बोनस इज गुड ऑब्वियसली. तो आगे देखते हैं इन्होंने और कौन से वर्ड्स दे रखे हैं. एक शब्द आता है
बॉनबॉन। बॉनबॉन क्या है? बॉनबॉन वास्तव में एक कैंडी होती है। कैंडी समझते हैं, स्वीट। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो शुगर, चीनी की तरीके से, तो दैट इज बॉनबॉन, उसका नाम होता है बॉनबॉन। तो यहाँ बॉनबॉन दोनों जो बी बी है, BON BON, तो आप इसको क्या समझ सकते हैं? आप इसको गुड गुड बोलो या अच्छा अच्छा बोलो, तो कुछ भी समझिए। तो अगर बॉनबॉन है मतलब वो अच्छा है, कैंडी का नाम है। फिर बोनाफाइडी एक वर्ड है, तो बोनाफिट या बोनाफाइडी दोनों पढ़ा जाता है। तो बोनाफाइडी में बॉन तो हो गया गुड, और FID फिड, फिड का मतलब होता है फेथ, फेथ मतलब भरोसा, विश्वास, फिड मतलब फेथ। तो बॉन गुड, फिड फेथ, तो बोनाफाइडी का मतलब इन गुड फेथ। अगर आप किसी का कोई कार्य करते हो तो करने के पीछे आपकी क्या इंटेंशन है, आपने अच्छे इरादे से किया या खराब इरादे से किया, आपने किस फेथ में किया, इन गुड फेथ और इन बैड फेथ। तो अगर आपने उसको गुड फेथ में किया तो वो बोनाफाइडी होगा, अगर आपने उसको बैड फेथ में किया तो वो क्या होगा, मेलाफाइडी, MAL वाला मेलाफाइडी। ठीक है, तो FID फिट मतलब फेथ। इससे और भी वर्ड इंग्लिश में आते हैं, जैसे एक वर्ड आता है फाइडिलिटी या फिडेलिटी, दोनों प्रोनाउंस करते हैं आप, फाइडिलिटी या फिडेलिटी, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेथ, ट्रस्ट, फेथफुलनेस। आप किसी पे विश्वास करते हो तो आपकी जो विश्वसनीयता है, दैट इज फिडेलिटी। और फिर फाइडो नाम होता है डॉग का, माना जाता है कि डॉग्स दे आर फेथफुल फ्रेंड, तो उनको नाम दे दिया गया फाइडो। कोई ऐसा है जिसका अपना कोई फेथ ही नहीं है, ना तो किसी रिलीजन पे, ना ही किसी पर्सन पे, स्पेशली रिलीजन के लिए आता है। अगर उसका कोई फेथ नहीं है तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे, आप उनको बोलते हो इनफिडल। इन मतलब नॉट, और फिट मतलब फेथ, नो फेथ, हैविंग नो फेथ, द पर्सन इज कॉल्ड इनफिडल, वन हु डज नॉट हैव द राइट फेथ और रिलीजन। कोई ऐसा जिसके पास कोई फेथ नहीं होता, या जिसका अपना किसी फेथ पे या किसी रिलीजन पे कोई भरोसा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इनफिडल। और इस को अगर आप दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करना चाहोगे तो वो इनफिडेलिटी होती है। इनफिडेलिटी का मतलब है कि आप विश्वसनीय नहीं रहे, आप अपने साथ वाले को धोखा दे सकते हो। ये धोखा मैरिजेज में भी हो सकता है या किसी भी रिलेशन में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इनफिडेलिटी। आगे देखते हैं इनमें और कौन से वर्ड्स इन्होंने दे रखे हैं इस सेशन 23 में। हाँ, फिर बोलने से जुड़े हुए शब्द हैं, जैसे अगर आपको याद हो तो हमने बेनेडिक्शन में देखा था कि आप अच्छा बोल रहे हो, लास्ट टाइम हमने मैलेडिक्शन में देखा कि आप खराब बोल रहे हैं, और दोनों में कॉमन क्या है, DICT, डिक्ट। तो DIC डिक या DICT डिक्ट, दोनों का मतलब होता है कहना या बताना, क्या होता है, टू से या फिर टू टेल। और इससे कौन से वर्ड इंग्लिश में आते हैं, मान लो कि सामने वाले को क्या कहना है, आप उसे आदेश दे रहे हो, आप उसे बता रहे हो, तो आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे डिक्टेट कर रहे हो। डिक्टेट करने के एक्चुअली दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है जैसे बचपन में होता है, अभी भी होता है कि छोटे बच्चों को डिक्टेशन दिया जाता है। तो डिक्टेशन देने का मतलब है कि उन्हें कॉपी में लिखना है, क्या लिखना है, जो टीचर बोलेंगे, जो कहेंगे, इसको बोलते हैं डिक्टेट करना। जब मिनिस्टर्स या और भी बड़े ऑफिसर्स अगर लेटर किसी से लिखवा रहे हैं तो जनरली वो खुद नहीं लिखते, वो बोलते हैं और एक साथ में उनके होता है लिखने वाला, वो हैंड रिटन या फिर टाइप करके लिखता है। तो मिनिस्टर्स या ऑफिशियल्स क्या करेंगे, वो डिक्टेट करेंगे। तो डिक्टेट करना मतलब कहना, बताना, और कोई दूसरा लिख रहा होता है। अगर आप उस नेचर के व्यक्ति हैं जो कभी कोई काम खुद से नहीं करते, हमेशा आप दूसरों को डिक्टेट करते रहते हो, तो आप डिक्टेटर हो, जिसका मतलब होता है तानाशाह। डिक्टेटर मतलब आप खुद पे कुछ अप्लाई ही नहीं करते, बस आप दूसरों को बताते रहते हो कि ये करो ये करो, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटर। तो अगर आप डिक्टेट कर रहे हो तो वो डिक्टेशन हो गया, उसका नाउन क्या बन गया, डिक्टेशन। और एडजेक्टिव फॉर्म में ले जाएंगे तो डिक्टेटोरियल। तो ऐसे और भी वर्ड्स इससे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और शब्द है इन्होंने यूज किया है, काफी अच्छा सा है, दैट इज प्रेडिक्ट। तो PRE प्री, हम पहले से पढ़ चुके हैं, प्री मतलब होता है बिफोर, और डिक्ट मतलब कहना। तो कोई भी चीज घटे, कोई घटना घटे, आप उससे पहले बता देते हो कि क्या होने वाला है, आपने प्रेडिक्ट की। टू टेल, बिफोर हैंड, बिफोर हैंड भी वैसे ही बना, कोई चीज आपके हाथ के सामने आए, आपके सामने आए बिफोर, उससे पहले आप बता देते हो कि ऐसा हो सकता है या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्ट। जैसे इससे और भी शब्द हैं जो हमने पहले पढ़ रखा है, जैसे हमने प्रेसियंट पढ़ा था, जो पहले से जान जाता है कि क्या होने वाला है। प्री मीन्स बिफोर, साई मीन्स जान। फिर और जो वर्ड्स डिक्ट से आते हैं, जैसे डिक्टाफोन, डिक्टाफोन जानते हैं, फोन है, साउंड है,
जो आपकी आवाज को बताता है, रिकॉर्ड करने का काम करता है डिक्टाफोन। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट कैसे बना? डिक्ट मतलब बोलना, कहना, और CONTR कॉन्ट्र, कॉन्ट्र का मतलब होता है अगेंस्ट, अपोजिट, CONTR कॉन्ट्र। कॉन्ट्र का मतलब क्या है? अगेंस्ट या अपोजिट। तो अगर आप किसी के अगेंस्ट में कुछ बोलते हो या फिर आप अपने खुद के ही स्टेटमेंट के अपोजिट कोई दूसरा स्टेटमेंट बोलते हो तो आप पहले वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। अगर आप किसी चीज के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि आप बार बार उसी का नाम लेते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं, तो आपको उस वस्तु या उस व्यक्ति से एडिक्शन होता है। ठीक है, एडिक्शन मतलब किसी चीज से आपका बहुत ज्यादा लगाव हो गया है, नेगेटिव माना जाता है जनरली, बट इट मे बी। और डिक्ट से कौन से वर्ड्स आते हैं नीचे देख लेते हैं, इन्होंने और कौन से वर्ड्स दे रखे हैं। सो वेल, हाँ, फिर ये डिक्ट इन्होंने छोड़ा और फिर ये फैक पे आ गए। हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, FEC, FIC, FAC, तीनों का ही मतलब होता है टू डू या टू मेक, कुछ करना या बनाना। और ये वर्ड्स हमने किस में पढ़े? मैलिफैक्टर में, आप कुछ खराब कर रहे हो, बेनिफैक्टर, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो FAC या FACT, इन सभी का मतलब होता है कुछ बनाना या करना। तो एक ऐसा प्लेस जहां पे चीजें बनाई जाती हैं, फैक्ट्री। क्या बन गया? फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो लास्ट में ORY है, ये अक्सर प्लेस के लिए आता है। किसके लिए आता है? प्लेस, जहां पे कोई काम होता है वो फैक्ट्री कहलाता है। फिर इसी से बन गया फैक्ट, कुछ भी जो किया जाता है, समथिंग दैट इज डन, वो फैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो किया जा चुका है, अब आप उसके बारे में कल्पना नहीं कर रहे, ये फैक्ट है कि हाँ उन्होंने चोरी की, क्योंकि उन्होंने कर दी, कल्पना नहीं है वो, दैट इज नॉट। कुछ ऐसा जो आपका ख्याली पुलाव हो, आपने अपने दिमाग में बना दिया है, सच्चाई में है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड फिक्शन। फिक्शन मीन्स मेड अप, जो जेन्युइन नहीं है, रियल नहीं है, आपने उसे बनाया, दैट इज कॉल्ड फिक्शन। हाथ से बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, ये हम लगे पहले भी डिस्कस किया था लास्ट लेशन में कि मैन्यू का मतलब हैंड होता है, मैन्युस्क्रिप्ट या मैन्युअल। मैन्युअल याद हो तो एक काम होते हैं कुछ जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं जो ऑटोमेटिक नहीं होते, आपको अपने हाथों से करना पड़ता है, तुमको बोलते हैं मैन्युअल। तो मैन मतलब हैंड हो गया। फिर बनाने से और भी शब्द आते हैं, जैसे आर्टिफिशियल। अगर आपने अपने आर्ट का, ART, आर्ट, आपने अपने आर्ट का यूज किया और कुछ बनाया तो वो आर्टिफिशियल है। तो ऐसे ही बनाने से और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। अगर आप किसी चीज को क्लियर बना रहे हो, क्लियर कर रहे हो तो आप क्लियरिफाई कर रहे हो, आप उसको सिंपल बना रहे हो तो आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, आप उसे लिक्विड बना रहे तो लिक्विफाई कर रहे हो, आप उसे मैग मतलब बड़ा, लार्ज, मैग्नेट वाला या मैग्नानिमस वाला, अगर आप उसे बड़ा बना रहे तो आप उसे मैग्निफाई कर रहे हो। तो FY से भी वर्ब बनते हैं। और इस सेशन में, हाँ, एक और है, वॉल। हमने पढ़ा था ये मैलेवोलेंट या बेनेवोलेंट में, VOLO या VOL, वॉल। वॉल का मतलब होता है इच्छा। तो अगर आपकी खराब इच्छा है तो आप मैलेवोलेंट हैं, अगर आपकी अच्छी इच्छा है तो आप बेनेवोलेंट हैं। इससे और कौन से वर्ड्स आते हैं? इससे वर्ड्स आते हैं जैसे कोई काम अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हो तो वो वॉलेंटरी है। क्या है? दैट इज वॉलेंटरी। अगर आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे तो वो इनवॉलेंटरी है। और अगर आप पर फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने मन से हो, कुछ वॉलेंटरी है, तो आप कौन है? आप वॉलेंटियर हैं। आप किसी काम में अपने मन से आते हो, कोई आपको बुलाए ना बुलाए, आप वॉलेंटियर करते हो। फिर इसी से एक और वर्ड आता है, दैट इज वॉलिशन। तो वॉलिशन क्या मतलब होता है? वॉलिशन मतलब आपकी विश, पावर, वॉलिशन, ठीक है, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी पावर, दैट इज कॉल्ड वॉलिशन। नाउ द नेक्स्ट रूट वर्ड इज इफ यू प्लीज, सामने वाले को खुश करने के लिए। कोई रूठ गया, नाराज है या फिर दुखी है तो आप उसे खुश करने के लिए क्या करते हो? आप उसे प्लेकेट करने की कोशिश करते हो। तो प्लेकेट करना मतलब किसी को खुश करना जो रूठा हुआ है या नाराज है। इसका रूट वर्ड है प्लैक। प्लैक का मतलब होता है किसी को मनाना या खुश करना, PLAC के प्लैक। प्लैक खुश करने या मनाने के सेंस में आता है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज या फिर अपीज, सूद या पेसिफाई, तीनों का एक ही मतलब है। अपीज, सूद या पेसिफाई, तीनों का एक ही मतलब है, दैट इज कॉल्ड टू प्लैक।
या फिर किसी को खुश करना। तो प्लेकेट हो गया, प्लेकेट मतलब आप खुश कर रहे किसी को। और कौन से वर्ड्स आते हैं प्लेकेट से? हाँ, प्लेकेट से बनने वाले जो अगले शब्द हैं, दैट इज प्लेकेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज, सो द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेकेशन। अगर आप किसी को प्लेकेट करने का काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसे प्लेकेशन, उसका नाउन हो जाएगा। प्लेकेट करोगे तो, एडजेक्टिव बनाओगे तो प्लेकेटरी हो जाएगा। दीज आर द वर्ड्स। कहीं से भी कोई नाराज है, किसी में लड़ाई झगड़ा हो गया, यू ट्राई टू प्लेकेट द पर्सन। फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक बार नाराज हो जाए तो आप उनको दोबारा खुश नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी कर लो। तो अगर आप उन लोगों में हैं तो आप इम्प्लेकेबल हैं। आप क्या हैं? इम्प्लेकेबल हैं। इम का मतलब है नॉट, और प्लेक मतलब होता है खुश करना, एबल मतलब योग्य। आप खुश नहीं किए जा सकते, आप इम्प्लेकेबल हैं। बट अगर आपका नेचर ऐसा है कि लोग आपको खुश कर सकते हैं, देन यू आर प्लेकेबल, यू आर प्लेकेबल। तो इम्प्लेकेबल कोई ऐसा जो अनयील्डिंग हो, जो रिलेंटलेस हो, कि एक बार तो हो गया अब हम चेंज को तैयार नहीं है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लेकेबल। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लेकेबल। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेसिड। अगर आप शांत हैं, आप बहुत जल्दी परेशान नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते, खुश रहते हो, तो यू आर कॉल्ड अ प्लेसिड। आप प्लेसिड हैं, PLACID। तो प्लेसिड का मतलब होता है काम, इजी गोइंग, सेरीन, अनडिस्टर्ब्ड, कुछ भी बोलिए। नेक्स्ट अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इज कॉम्प्लीसेंट। तो कॉम्प्लीसेंट क्या है? अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको लगता है कि बस जितना मैंने कर लिया बहुत है, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कॉम्प्लीसेंट। कॉम्प्लीसेंट मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, बट ये एक नेगेटिव टर्म होता है। माना जाता है कि आपके अंदर कॉम्प्लीसेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉम्प्लीसेंट हो तो दैट इज नॉट गुड। तो कॉम्प्लीसेंट मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड बट इन द नेगेटिव वे। नेगेटिव इन द सेंस समथिंग विच स्टॉप्स यू फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो कॉम्प्लीसेंट आपको नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ वर्ड्स तो इन्होंने जो कॉम्प से दिए हुए थे या प्लैक से दिए हुए थे। और एक और रूट वर्ड इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, कंडोन। कंडोन का मतलब होता है किसी को माफ करना। कंडोन का मतलब क्या होता है? माफ करना, टू फॉरगिव। कंडोन मतलब माफ करना, फॉरगिव या पार्डन। और एक्चुअल में जो रूट वर्ड इसमें है वो है DON। डॉन का मतलब होता है देना। रूट वर्ड क्या है? DON। डॉन का मतलब देना। जैसे जो डोनेट करेगा वो डोनर होगा, जो दे रहा है वो डोनर, और उसके देने का जो कार्य है वो डोनेट, या फिर उसका नाउन डोनेशन होता है। सो दीज आर द वर्ड्स इन सेक्शन 23। इससे बचे हुए जो बाकी के शब्द हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। सो थैंक यू।